तो फ्रेंड्स, आज मेरा ये नया वीडियो मैं आ चुका हूँ। ये मेरा 1K के बाद ये सेकेंड वीडियो है, क्योंकि मैंने ये मतलब कि आवर चैनल रीच्ड 1K सब्सक्राइबर्स पे एक वीडियो बनाया था। तो ये दूसरा वीडियो है आज के संस्कृत के एग्ज़ाम पे। ये जानता हूँ थोड़ा मेरे से लेट हो चुका है वीडियो बनाने में, क्योंकि संस्कृत व तुरंत मैथ था, तो मुझे मैथ्स भी पढ़ना था। मैथमेटिक्स एग्ज़ाम अभी तुरंत है और मैं उसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा लेट टाइमिंग हुआ लेकिन मैं डाल ही दे रहा हूँ। तो यहाँ से गद्यांश देखें, गद्यांश देख लें, तो इसके साथ भी ये दो को देखना गद्यांशी के साथ ज़रूरी है, क्योंकि गद्यांशी में से इसका प्रश्न मिलेंगे। तो आप देख लीजिए, एंड पेज नंबर 1 हो गया। ओके, टर्न इट। नेक्स्ट श्लोक आधारित, श्लोक आधारित भी एक ही में देखना जरूरी है, क्योंकि आपको श्लोक से ढूंढना है। ओके, और ये प्रश्न निर्माण सब बुक से आया था, बुक वाला देख लीजिएगा। थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर देख लीजिए, संधि विच्छेद बहुत इजी था। ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, उचित शब्द रूप देख लीजिए, और सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में तो धातु रूप भरना था और सबका लटे लग या लेट आया है, तो सर तो इजी होगा। संख्यावाचक सब, संख्यावाचक इजी है, क्योंकि इसमें 1-2 नंबरिंग आ गया था, एक दो को जो थोड़ा हल्का इजी था हो गया था। अब आग लास्ट में आता है प्रत्यय। तो दोस्तों, हम लोग ने पूरा क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लिया, संस्कृत पोस्ट मिड टर्म क्लास 8 क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का। थोड़ा लेट टाइमिंग हुआ लेकिन मैंने डाल दिया। तो लाइक फॉर 8, क्योंकि कल मैथ्स का एग्ज़ाम है और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मैथ्स। तो देखिए दोस्तों, मैं मैथ्स के लिए प्रिपेयरिंग भी कर रहा हूँ, तो उसका भी मैं क्वेश्चन पेपर आते ही डालूंगा। एंड मेरा पास जो प्रीवियस ईयर पेपर था वो तो मैंने डाल ही दिया पहले, ये इसका संस्कृत का, इसमें तो मैं भर भर के कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। ये अब लेटेस्ट है, देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।